हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। क्लास 11 सीबीएसई बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 को आप सभी ने हमारे साथ सिव एकेडमी के साथ डिस्कस किया। अगर आपकी कोई क्वेरीज या कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। आज इस 7th पार्ट में हम चैप्टर का ओवरव्यू लेते हुए आप सबको चैप्टर का रिविजन कराते हैं। किसी को कोई टॉपिक का रिविजन करना हो तो टॉपिक के मुताबिक चैप्टर के पार्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। पार्ट 1 में था ह्यूमन एक्टिविटी। हम सब जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं उसको ह्यूमन एक्टिविटी कहती है, जो दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो धन के बदले में की जाती है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जिसमें कोई धन का बदला नहीं होता उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जिसमें किसी भी चीज का प्रोडक्शन, परचेज या सेलिंग होता है उसे बिजनेस कहते हैं, और जिसमें हम अपनी एक्सपर्टाइज स्किल डाल के कुछ काम करते हैं उसे प्रोफेशन कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर एट्सेट्रा। और जहाँ हम दूसरों के लिए वर्क करते हैं, मतलब हम एम्प्लॉई होते हैं, तो उसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। पार्ट 2 में था कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, फंक्शंस ऑफ बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस। क्या है बिजनेस का कंसेप्ट और उसके फंक्शंस? तो बिजनेस वो एक्टिविटी है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेगुलरली की जाती है, जिसमें फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे फंक्शंस होते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, और ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती है, और उसमें ये बात भी है कि वो रेगुलर बेसिस पे होती है जिससे कि प्रॉफिट अर्न होता है। हाँ, उसमें रिटर्न की अनसर्टिनिटी होती है, यानी कि एलिमेंट ऑफ रिस्क भी शामिल होता है। पार्ट 3, डिफरेंस बिटवीन द 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, नेचर ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशन, रिवॉर्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिस्क, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट जैसे अलग अलग पॉइंट पे ये तीनों एक्टिविटीज में डिफरेंस को समझा। उसके बाद था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसके दो टाइप्स है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ न्यू कस्टमर्स, इनोवेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शामिल थे, जबकि सोशल ऑब्जेक्टिव में क्वालिटी गुड्स, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी शामिल थे। पार्ट 4, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो प्रॉफिट का बिजनेस में रोल क्या है? इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन, इट कैन बी ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपांसन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस, इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस, इट कैन बी टेकन एज सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस, इट बिल्ड्स अप द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये थे प्रॉफिट के रोल के पॉइंट्स। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस की एक्टिविटीज को दो टाइप में क्लासिफाइड की जाती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जबकि कॉमर्स में आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था बिजनेस की ये इंडस्ट्री वाली को। इंडस्ट्री में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जो इंडस्ट्री प्राइमरी नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसे प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एट्सेट्रा। उसमें से आगे प्रोसेस करके उसे यूजेबल प्रोडक्ट्स में या तो अगले स्टेज में ले जाने के लिए जो इंडस्ट्री काम करती है उसे सेकेंडरी कहते हैं, और इन सभी के लिए जो अलग अलग तरह की सर्विसेज होती है उसे टर्शियरी कहते हैं। पार्ट 5 में कॉमर्स डिस्कस किया। कॉमर्स वो एक्टिविटीज होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को इजी बनाती है, और जो अलग अलग तरह के इसमें ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसे दूर करती है। कॉमर्स में दो टाइप की एक्टिविटी शामिल होती है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड क्या होता है? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स
आर नोन एज ट्रेड। ये सभी एक्टिविटीज को ट्रेड माना जाता है, जो भी दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अपने देश की बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड किया जाता है उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं, जिसमें होलसेल और रिटेल आता है। लार्ज क्वांटिटीज में हम जब चीजें खरीदते और बेचते हैं उसे होलसेल, और स्मॉल क्वांटिटीज में हम जब चीजें खरीदते और बेचते हैं तब उसे रिटेल ट्रेड कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड में थ्री टाइप्स होते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। जब चीजें हम देश के बाहर से मंगवाते हैं तब उसे इम्पोर्ट कहते हैं, देश के बाहर बेचते हैं उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और एक देश से मंगाकर दूसरे देश में बेचते हैं उसे एंट्री पोर्ट कहते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग आर नोन एज ऑक्सिलरीज। मतलब जो ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल होती है उस सर्विसेज को ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं, जिसमें आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। पार्ट 6 बिजनेस रिस्क। अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के हिसाब से जो बिजनेस में रिस्क अराइज होता है, मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट होता है या तो कम हो जाता है और इवन लॉस भी होता है, तो उसे बिजनेस रिस्क कहते हैं, जिसके दो टाइप्स होते हैं, स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क वो होता है जो मार्केट की कंडीशन, ये जैसे कि फैशन, टेक्नोलॉजी, प्राइस, कंज्यूमर प्रेफरेंस, इसमें जब चेंज आता है तब हमारे प्रॉफिट में चेंज होता है, मतलब कि प्रॉफिट बढ़ता भी है और घटता भी है, तो इस तरह के रिस्क को स्पेक्युलेटिव रिस्क कहते हैं। और प्योर रिस्क वो होता है जो ऐसी कंडीशन, फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक जैसी कंडीशन में होता है, जहां पे हमें लॉस ही होता है, कुछ गेन नहीं। बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज के हिसाब से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हाँ, ये तो सही है, एवरी बिजनेस में रिस्क एक एसेंशियल पार्ट होता है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। हम किस तरह का बिजनेस करते हैं और कितना बड़ा या छोटा बिजनेस करते हैं उसके ऊपर रिस्क की डिग्री डिपेंड करती है। एंड फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट क्या है? रिस्क टेकिंग का रिवॉर्ड होता है। फर्स्ट टू सिक्स पार्ट में हमने बिजनेस स्टडीज का पूरा पहला चैप्टर कवर कर लिया है। स्टे ट्यून्ड विद सीव एकेडमी, और हाँ, करते रहिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।